आलिया साहब, मैनू बहुत अफसोस है कि मैं लवलीन दे बच्चे नू बचा नहीं सकी। आप सर मेरे साथ मेरी कैबिन में आइए। आइए इंद्रजीत जी, मैं जानती हूँ इस हादसे तो बाद मन ते काबू पाना बड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी वक्त के तकाजे नूं देखते हुए तुहानूं एक कोशिश करनी चाहिए है कि हुण इस हादसे तो बाद दोबारा कोई हादसा होने की नौबत ना आए। डॉक्टर साहब, इस तो वड्डा हादसा और साडे लई की होएगा? साडे घर दा जगण वाला चिराग जगण तो पहला ही बुझ गया। मैं तुहाडा दुख समझदी हाँ, पर इंद्रजीत जी तुसी तां किसी ना किसी तरह अपने मन ते काबू पा लोगे, पर लवलीन उहदे लई इह हादसा सहना दूजा जीवन पाउण दे बराबर है। मेरी तुहानूं एक गुजारिश है कि तुसी हिम्मत ते सबर तो कम लो, ते उही हिम्मत ते सबर तुसी लवलीन नूं देनी है। डॉक्टर साहब, मैं तुहाडी नसीहत ते चलण दी कोशिश कर सकदा, पर मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं लवलीन नूं ये गल किदां दसा। जे मैं हिम्मत करके उन्हें यह गल दस भी दवा ते वो इस हादसे नूं किदां सहन करे। हाँ, इस हादसे का जिन्ना दुख तुहानूं है उन्ना ही दुख मैनू भी है, क्योंकि मैं तो शुरू तो ही लवलीन का ट्रीटमेंट करती आ रही हूँ। बच्चा पाउण दी तड़प जो मैं लवलीन दी अखां च देखी है अज तक किसी भी औरत च नहीं देखी। जिस बच्चे नूं पाउण लई उन्हें अपनी जान जोखम च पा दी, जदी एक झलक पाउण लई उन्हें एक एक पल एक एक साल वांगू कट्टिया। डॉक्टर साहब, मैं ते कलेजे ते पत्थर रख के फिर भी इस गम नूं सहन कर लवांगा, पर पापा जी जिन्हां दा जीण दा मकसद ही ये बच्चा सी, वो इस सदमे नूं सहन नहीं कर सकदा। विजय दी हालत मेरे तो वेखी नहीं जांदी। डॉक्टर साहब,
मेरी गल मनो तो पाकिस्तान तो लवलीन के पेरेंट्स नू बुला लो। अपने माँ बाप आखिर अपने ही होंगे ने, तो लवलीन उन्होंने अपना दुख दर्द वंड लेगी। तो कहते ने ना कि अपना दुख दर्द जिन्ना वंडो उन्ना ही घटता है।